हाल ही में एक मामला सामने आया था जब एक अधिकारी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे और रुपए उनके घर पर इतने ज्यादा थे कि नोट गिनने की मशीनें तक उस अधिकारी ने अपने घर में रखी हुई थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उस अधिकारी को सजा के बदले बिल्कुल अच्छा पोस्ट दिया जा रहा है। क्या यही बिहार में कानून का राज है? क्या यही होता है जब भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसे सजा के बदले एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छी पोजीशन दे दी जाती है? हम बात कर रहे हैं उत्पाद अधीक्षक रहे अविनाश कुमार की, जिसके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, भ्रष्टाचार के दलदल में हाथ जो है वो सने हुए थे, लेकिन सरकार ने इसकी सजा ना देकर इसका इनाम ही दे दिया। पूरी खबर क्या है विस्तार से बताते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मोतिहारी के तत्कालीन उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश का मामला स्पेशल विजिलेंस यूनिट अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंपने की तैयारी कर रही है। मामला बहुत दिलचस्प है। एसवीयू ने उनके ठिकानों पर 8 दिसंबर 2021 को छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। आमतौर पर ऐसे मामलों में संबंधित विभाग आरोपी अधिकारी के विरुद्ध निलंबन या फिर दूसरे तरह की कार्रवाई करता है, लेकिन अविनाश को बेगूसराय के मद निषेध अधीक्षक के पद पर तैनात कर दिया गया है। छापेमारी के बाद यह उसकी दूसरी पोस्टिंग है। इसके पहले जनवरी में उसे BSBCL पटना में अधीक्षक मद निषेध के पद पर तैनात किया गया और कर्मनाशा चेकपोस्ट कैमूर एवं बलथरी चेकपोस्ट में प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्ति स्थलों पर उसे नियमित रूप से जांच का जिम्मा भी दिया गया। इसके बाद मार्च में बेगूसराय का उत्पाद अधीक्षक बनाया गया। सूत्रों के अनुसार SVU इस मामले में निगरानी विभाग को पत्र लिख यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई के बाद अविनाश प्रकाश के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। अविनाश के पटना, खगड़िया और मोतिहारी स्थित ठिकानों से कैश तो हाथ नहीं लगा, लेकिन नोट गिनने की मशीनें जरूर बरामद हुई थी। फुलवारी शरीफ के कुलकुली रोड में करीब 1 बीघा जमीन में उनका फार्म हाउस बना हुआ है। खगड़िया में एक आलिशान मकान है और एक JCB भी बरामद की गई थी। इसके अलावा पटना में एक फ्लैट खरीदने का अग्रीमेंट पेपर भी मिला था। SVU के अनुसार उनके पास 2 JCB मशीन, एक इनोवा गाड़ी भी मिली थी। SVU की जांच में सामने आया कि अविनाश ने आय के वैध स्रोत से अधिक धनार्जन कर संपत्ति बनाई है। इसके लिए उन्होंने परिजनों और मित्रों तथा अन्य के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर काले धन को सफेद बनाने का भी प्रयास किया। SVU अब ये मामला ED को सौंपने जा रही है। ED ऐसे मामलों में जाँच के बाद संपत्ति जब्त की कार्रवाई करती है। SVU के सूत्रों के अनुसार अविनाश के मामले में जल्द चार्जशीट भी फाइल होगी ताकि आगे कानूनी कार्रवाई हो सके। वहीं SVU ने बताया था कि तलाशी के दौरान 2 पासपोर्ट, 15 पासबुक, 4 इंश्योरेंस संबंधित दस्तावेज भी सामने आए थे। 41 डिसमिल पर निर्मित फ्लैट जिसकी कीमत 8,25,000 रुपये बताई जा रही है और इसके अलावा 800 डिसमिल जमीन जिसकी कीमत 48,50,000 रुपये बताई जा रही है। इन तमाम चीज़ों के साथ अविनाश प्रकाश पकड़े गए थे और इसके बाद अब जो सरकार ने उन्हें एक नया पोस्ट दे दिया है, एक नए पद पर उन्हें भेज दिया है जो कि काफ़ी अच्छा पद है। तो सवाल सचमुच में खड़े होते हैं कि आखिरकार बिहार में ऐसा क्यों होता है, जब कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे सजा के बदले केवल एक सस्पेंशन दे दिया जाता है, उसके बाद फिर सैलरी उसी प्रकार मिलती रहती है और कोई नई जगह पोस्टिंग भी मिल जाती है, यानी कि उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। आखिरकार जब इसी तरह की चीजें होती है तो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात और नीति की बात क्यों करती है, ये समझ में नहीं आता। देखना होगा कि ED और SVU मिलकर इस पर क्या कार्रवाई करती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।